an epic life, Ramanand Sagar, from Barsat to Ramayana. उसी सेनेटोरियम में एक मरीज था जिसके दिन गिनती में थे, कब जाएगा कब नहीं जाएगा पता नहीं था। तो एक गन्ने के खेत में जाके उसकी जो बन्नी थी उस पर बैठ के गन्ना चूसता था, और एक हकीम था जो उसका इलाज कर रहा था। तो हकीम को भी पता था कि जो करना चाहता है कर ले, कुछ ही तो वक्त है, ये ज़्यादा अब नहीं कर सकता। एंड गन्ने चूसते हुए मस्ती में गाता था, दुख के दिन अब बीतत नाही, ना कोई मेरा ना मैं किसी का, छाया चारों और अंधेरा। और एक दिन जब वो अपने हकीम के पास गया तो ठीक हो गया था। तो हकीम बहुत मतलब शॉक्ड कि इसका तो कोई इलाज नहीं है, इसका तो इलाज सिर्फ वन वे स्ट्रीट है, डेथ, मौत, एंड ये कैसे बच गया। तो उन्होंने उसकी तहकीकात की और पूछा कि तेरा रूटीन क्या है। तो उसने बताया कि सर मैं तो सेनेटोरियम में हूँ, गन्ने के खेत में जाता हूँ, जोर जोर से गाता हूँ, हंसता हूँ, खेलता हूँ। तो हकीम उस गन्ने के खेत में गया और जिधर वो बैठता था उसी जगह से उसने गन्ने पुटे निकाले ज़मीन से, जड़ से, और खड्डा खोदा और देखा एक 12 फुट लंबा काला रंग का कोबरा सांप मरा हुआ था। उसकी जहर गन्ने के थ्रू इस शख्स के रगों में जाती थी और उस जहर की वजह से वो बच गया। तो ऐसे लगता है और ऐसा कहा गया है कि पापा जी शायद उस हकीम की वजह से बच गए। हकीम ने उस पे रिसर्च किया और उस जहर से एक आयुर्वेदिक दवाई निकाली, यूनानी दवा निकाली, और उससे पापा जी शायद बच गए। ये एक चमत्कार से कम नहीं था। जब वो मतलब सेनेटोरियम से वो हकीम की दवाई की वजह से बच गए और जब डंगमर के पारस नीचे आ रहे थे तो सामने से एक घोड़ा वाला आ रहा और दोनों घोड़े पापा जी के, और उस घोड़े वाले सवार जो आदमी था दोनों रुके, दोनों ने एक दूसरे को देखा। वो जो शख्स आ रहा था उसने कहा रामानंद सागर, पापा जी ने कहा कृष्ण चंद्र, और पहली बार कृष्ण चंद्र जी की एंड रामानंद सागर की मुलाकात हुई, दोनों गले मिले। एंड उसके बाद इतनी यारी, इतनी दोस्ती, बहुत काम एक साथ किया। कृष्ण चंद्र जी उनको पुणा ले गए शालीमार पिक्चर्स में, एंड पापा जी उसके बाद एक राइटर के तौर पे एक्सेप्ट हो गए। जय श्री।